हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल। तो बेटा जी, आज हम लोग पढ़ने वाले सोल्व शेयर का लेक्चर नंबर 4। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टलिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। पता है ना, सोल्व शेयर दोबारा ऐड हो चुका है सिलेबस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेस्ट ट्रिक टू मेमोराइज 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम को मेमोराइज करने की बेस्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। इन क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग क्रिस्टल हैबिट्स भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल हैबिट्स भी बोल सकते हैं, ब्रेगिस लैटिस भी ने बोल दिया जाता है। शॉर्टलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो भी हम देखेंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है और एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो के बाद 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, फिर कभी नहीं भूलोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए डेली दे रहा हूँ फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस। 1 1 आवर की क्लास होती है, 4 क्लास 11 एंड 12। टाइमिंग मैंने बता दिया, क्लास 11 को मैं डेली 5 PM पढ़ा रहा हूँ एंड क्लास 12 को डेली 2:30 PM पढ़ा रहा हूँ। अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फॉलो कर लेना और डेली की क्लास ज्वाइन करो। स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, वो आपको आपके स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, जेई, नीट तक की तैयारी बहुत अच्छे से करवाने वाले। चलिए मिलेंगे वहां पर, फिर बोलोगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात, इनको आप याद कैसे करोगे? याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी? सी टी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। सीटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी, ये इसको याद रखने की ट्रिक है। CTOMHRHORI। अब इनका मतलब क्या है, ये तो चलिए हमने एक ट्रिक बना ली। इनको याद कैसे रखोगे? सी मीन्स होता है कौन सा क्रिस्टल सिस्टम? क्यूबिक। टी मीन्स होता है टेट्रागोनल, ठीक है। ओ मीन्स होता है ऑर्थोरोम्बिक। एम मीन्स होता है मोनोक्लिनिक। एच का मतलब होता है हेक्सागोनल। आर एच ओ का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल। एंड टी आर आई का मतलब होता है भाई ट्राइक्लिनिक। बेटा जी, ये इनके नाम है। मैंने आपको बोला ना, 2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएंगे, बाकी आपको इनके नाम याद नहीं रखने, ये तो आपको गिवन होगा, ठीक है। आपको इनके लिए क्या बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा इनकी एक्सियल लेंथ कितनी है, एक्सियल लेंथ में क्या रिलेशन है एंड एक्सियल एंगल में क्या रिलेशन है। आपको बेटा जी इन 2 बातों का आंसर करना होगा। एक्सियल लेंथ ए बी सी में होगा और एक्सियल एंगल क्या होगा? अल्फा बीटा एंड गामा में होगा, क्लियर है। अब इस बात को कुछ ऐसे समझो, देखो आजकल की बात करते हैं, आजकल पढ़े लिखे हैं सब, है ना। तो कितने बच्चे होते हैं? मोस्टली 1 2 3 होंगे, ज्यादा ज्यादा है ना। अब पुराने टाइम की बात करते हैं, थोड़ा हमारे दादा परदादा के टाइम की बात करते हैं, तो कितने बच्चे होते थे उनके? वो दर्जनों के हिसाब से बात करते थे ना, ऐसा वो तेरे कितने दर्जन है, 1 दर्जन है, आधा दर्जन है, 2 दर्जन है, इस तरह से बच्चे होते थे, टीम बन जाती थी उन लोगों की पूरी। तो ये थोड़े पुराने टाइम की बात है। ब्रेवियस भाई साहब के 7 बच्चे थे, ठीक है। कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। ये सबसे पहले वाला है और ये सबसे लास्ट वाला है। अब एक चीज तो आप लोग भी मानते होंगे, जो पहले वाला होता है ना वो थोड़े खड़ूस से होते हैं ना, सजीव से होते हैं वो, और जो सबसे छोटे होते हैं ना वो ऊद होते हैं, ठीक है, बहुत शरारती होते हैं, वो नोटी टाइप होते हैं, माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलने लग जाना कि सर हमारे यहाँ नहीं होता, 1-2% एक्सेप्शन हो सकता है, वरना मोस्टली ये होता है कि ये बेचारे पिटते रहते हैं, इनसे डांट सुनते रहते हैं घर वालों की, ये फंडा इनके साथ चलता रहता है। चलो, तो ये क्यूबिक है, बहुत अच्छा बच्चा है, और ये ट्राई क्लिनिक बिल्कुल ऊत बच्चा है, ये बात समझना। ये पहले वाला है तो अच्छा बच्चा है, फैक्ट्री का पहला प्रोडक्ट है तो बिल्कुल ध्यान दिया गया इस पे, अच्छा बच्चा है ये। तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और ये बिल्कुल लास्ट है, ये बिल्कुल ऊत होगा। अब इससे पूछा जाए कि भाई एबीसी में क्या रिलेशन है, क्या बोलेगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। बेटा जी क्लियर हो गया, इसमें सब कुछ इक्वल होगा, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होगा। बाकी के लिए क्या करोगे आप? इसमें ए कम करोगे, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इज इक्वल टू सी। फिर एक और कम कर दो, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। एंड फिर आप रिवर्स गियर लगाओगे, रिवर्स मतलब ये यहां पे आएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये यहां पे आएगा
ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इज इक्वल टू सी, और ये यहां पे आएगा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, कुछ इस तरह से ये आने वाले। रिपीट कर रहा हूं, पहले वाले में सब कुछ इक्वल होगा, लास्ट वाले में कुछ भी इक्वल नहीं होगा। एक कम किया अगले वाले में, उससे नेक्स्ट वाले में एक और कम किया, और फिर आपने उल्टे स्टार्ट कर दिए, रिवर्स स्टार्ट कर दिए। अब आते हैं एक्सियल एंगल पे, एक्सियल एंगल में भी सेम बात होगी कि पहले वाला है बहुत अच्छा बच्चा है, तो ये क्या बोलेगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले तीन केस सेम रखो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो इसको थोड़ी देर में करेंगे। पहले वाला अच्छा बच्चा है तो वो क्या करेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, सब कुछ इक्वल। और लास्ट वाला क्या होगा, बिल्कुल ऊत है, ये क्या बोलेगा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, कभी हो ही नहीं सकते है। ठीक है, ऊपर चलो, ये हो गया। अब इसमें पहले तीन केस सेम रखना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो लेंथ को अलग याद करना, एंगल को अलग याद करना, मैं गिन के बोल रहा हूं बेटा जी आपको, एक बार और देखना इस वीडियो को, दो बार प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। एंगल में क्या होगा, पहले तीन केस सेम होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा बीटा गामा, इसको कुछ ऐसे इमेजिन करो, शादी हो जाती है तो पहले अलग कौन होता है, माँ बाप अलग होते हैं, बेटा अलग होता है, अलग होने की बात कौन करता है, ऑब्वियसली बेटा करता है, मजबूरी होती है उसकी भी बेचारे की। अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बेटा जो है वो अलग हो चुका है। बेटा अलग हो गया तो इमोशनल कौन हो जाती है, ज्यादा दिल पे किसके लगती है, माँ की, और माँ का बीपी हो गया हाई, है ना। तो आप लोग लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, माँ का बीपी हाई हो गया, और कहां तक हाई हो गया 120 डिग्री। ठीक है, गामा का बीपी बढ़ गया, बेटा अलग होगा पहले इमोशनल होगी माँ, माँ का बीपी हाई कितना 120, बेटा अलग हो गया गामा अलग हो गया, बारी किसकी रहेगी अल्फा की, अल्फा क्या बोल लेगा, भाई मुझे भी अपनी पार्टी में मिलाओ, तो वो क्या बोलेंगे, आजा हमारी पार्टी में आ, तो पहले तो इसको पार्टी में ला लिया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, सारे एक पार्टी में मिल गई, बैस किसके साथ है 90 डिग्री के साथ है। क्लियर है बेटा जी, ये एक बार रिपीट करते हैं। अब मैं एक बात बताऊ, क्वेश्चन ये भी बनता है कि मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, ऐसा क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है जिसमें सब कुछ इक्वल है, सबसे अच्छे वाला क्रिस्टल सिस्टम दिस वन, इसे बोलते हैं हम लोग मोस्ट सिमेट्रिकल। ये क्या है, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है। अगर इसकी बात करें, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है ट्राइग्लिनिक में, तो इसे बोला जाता है मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोला जाएगा इसे, मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर होता है। अब आओ इन पॉइंट्स पे, इनका मतलब समझो, दोबारा बोलो ट्रिक क्या थी, सीटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी, CTOMHRHOTRI, सी मतलब क्यूबिक टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल ट्राइक्लिनिक, इनके नाम है। आपको रिलेशन का ना एक्सियल लेंथ में एंड एक्सियल एंगल में, तो मैंने आपको क्या बोला, आप पहले वाले को अच्छा मानोगे, सात बच्चे हैं, सात में से पहले वाला बिल्कुल अच्छा है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल ऊत है, बिल्कुल अलग है, तो वो क्या बोलेगा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, उसमें कुछ भी इक्वल नहीं है। अब क्या करोगे, पहले एक कम करोगे, फिर आप एक और कम करोगे, और अब उल्टा स्टार्ट कर दोगे, ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, और ये यहां पे आने वाला है। बात करते हैं एंगल की, एंगल में क्या होगा, पहले वाला अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, पहले वाले में सब कुछ इक्वल होगा, लास्ट वाले में कुछ भी इक्वल नहीं होगा। एंगल में पहले तीन केस सेम, सबसे पहले अलग 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 कौन हो गया, बेटा अलग हुआ, बेटा इज नॉट इक्वल टू 90, बेटा अलग हो गया, इमोशनल होगी माँ, माँ का बीपी हो गया हाई, कहां तक 120 तक। देखो एक बार बीटा 90 से अलग हो गया, एक बार गामा 90 से अलग हुआ, 90 से अलग हुआ तभी तो उसका एंगल कितना है 120 है, और बाद में मिलके अल्फा बिन की पार्टी में शामिल हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, सारे आपस में इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90 है। तो बेटा जी ये थी इसकी सिंपल सी ट्रिक, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना, कमेंट करके बताने वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।